पोलियो के आलमी दिन की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर सजावल की क्यादत में इंसदाद पोलियो आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। सजावल से इमदाद पठान की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वाजिद शेख की क्यादत में पोलियो के आलमी दिन की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सजावल से मीरपुर बटोरो रोड तक इंसदादे पोलियो गाई वाक का इनेकाद किया गया, जिसमें DHMT, MDHO, DIOC टीम, PHIT के नुमाइंदे, DHQ सजावल के हेल्थ स्टाफ, LHWs, कम्युनिटी मेम्बरान और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वाजिद शेख ने अपने खिताब में वालदेन और कम्युनिटी मेम्बरान को खिताब करते हुए कहा कि वो पोलियो मुहिम के दौरान हर बच्चे को न सिर्फ पोलियो के दो कतरे पिलाने को यकीनी बनाएं, बल्कि मामूल के मुताबिक हफाजती टीके जरूर लगवाएं ताकि बच्चों को हमेशा के लिए फालज से बचाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा, चूंकि पोलियो वैक्सीन के अलावा पोलियो की इस मोहलिक बीमारी का कोई और इलाज नहीं है। उन्होंने वालदेन पर जोर दिया कि वो पोलियो मुहिम के दौरान इनके इलाकों में आने वाली पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और पैदाइश से 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने वाक में शिरकत करने और पोलियो मुहिम के दौरान जिला में तावन करने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। पोलियो के आलमी दिन की तकरीबात का आगाज डिप्टी कमिश्नर की जानिब से IPI सेंटर DHQ सजावल में एक बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने के बाद किया गया।